एशिया कप 2023 के वेन्यू का नतीजा आ चुका है, जहां पीसीबी ने बीसीसीआई को हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया था और बीसीसीआई ने भी अब पीसीबी को हरी झंडी दे दी है। यानी कि एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल पर ही खिलाया जाएगा, लेकिन पहले पाकिस्तान में 4 मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन शुरुआती 4 मुकाबले पाकिस्तान के गदाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे, बाकी के मुकाबले दुबई और श्रीलंका के मैदान पर होंगे। इस लिस्ट में दुबई का नाम पहले अब श्रीलंका से आगे निकल गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहला अपना पसंदीदा मैदान दुबई के ही मैदान दिए हैं। यानी कि बीसीसीआई ने भी दुबई के लिए इनकार किया था, लेकिन अब दुबई में ही होगा, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा था कि एशिया कप 2023 सितंबर के महीने में होगा, जहां दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खिलाड़ी ज़्यादा चोटिल होंगे। लेकिन पीसीबी बार बार इनकार किया पीसीबी ने और कहा दुबई में ही एशिया कप 2023 होगा, जहां पहले 4 मुकाबले पाकिस्तान में होंगे, लेकिन भारत के पहले के मुकाबले भी दुबई में ही होंगे, जहां एशिया कप 2023 में बीसीसीआई और पीसीबी की हार हो चुकी है। यानी दोनों क्रिकेट बोर्ड इस मसले में हार चुके हैं, यानी कि एशिया कप 2023 जहां बीसीसीआई चाहता था कि पाकिस्तान में ना हो और पीसीबी चाहता था कि भारतीय टीम पाकिस्तान में हो, लेकिन दोनों के ही नतीजे अलग अलग आए, जहाँ एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में भी नहीं हुआ और पाकिस्तान में भी पूरा नहीं हुआ। यानी कि हाइब्रिड मॉडल पर भी हुआ और पाकिस्तान में भी एशिया कप 2023 खिलाया जाएगा। यानी कि ये देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप 2023 का फाइनल अब कहाँ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।